दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होता है। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जो दशहरे के दिन दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पक्षी को दशहरे के दिन देखने से किस्मत चमक जाती है। इस पक्षी को भाग्य को चमकाने वाला पक्षी भी माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा है वो पक्षी। अगर आपको दशहरे वाले दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतिनिधि माना गया है और कहा जाता है कि दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन बहुत ही शुभ होते हैं। अगर आपको इस दिन नीलकंठ के दर्शन होते हैं तो साल भर आपको खुशखबरी मिलती है। दशहरे वाले दिन नीलकंठ के दर्शन होने से धन का लाभ होता है और घर में शुभ काम भी होते हैं। दशहरे वाले दिन सुबह से शाम तक किसी भी समय नीलकंठ का दिखना शुभ माना जाता है। नीलकंठ का दिखना शास्त्रों के अनुसार शुभ माना जाता है और रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम पर ब्राह्मण की जान लेने का इल्जाम लगा था, इसलिए भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर शिव जी की पूजा करके और अपने आप को ब्राह्मण की जान लेने की पाप से मुक्ति दिलवाई थी। उस समय भगवान शिव नीलकंठ का रूप धारण करके धरती पर आए थे। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से विनीत राय की रिपोर्ट।